हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आईटी 402 क्लास 10 कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो दिया गया है द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। हम लोग जैसा कि जानते हैं जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कम्युनिकेयर। तो कम्युनिकेयर जो ये वर्ड है ठीक है इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका शेयर। ठीक है, कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर, मतलब कि किसी एक पर्सन से अपने भावनाओं को अपने आइडियाज़ को या थॉट्स को शेयर करना ही कम्युनिकेयर या कम्युनिकेशन कहलाता है। आप इसका डिफिनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लैटिन वर्ड से आता है कम्युनिकेयर जिसका मतलब होता है शेयर। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है जैसे पर्सनल सोशल और प्रोफेशनल लाइफ्स में। क्वेश्चन टू देखते हैं। दिया गया है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। यानी कौन सा प्रोसेस है ठीक है जो हम लोग दो से या दो से अधिक लोगों के बीच में हम लोग क्या करते हैं शेयर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज। जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है फोर, वर्बल नॉन वर्बल ठीक है रिटेन एंड विजुअल। चलिए क्वेश्चन फोर देखते हैं। इन अ वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर दैट एक्रोमिक किस स्टैंड फॉर, किस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इसका जो राइट आंसर है ए होगा, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, किसका फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन फाइव देखते हैं। दिया गया है ओरल कम्युनिकेशन इज द टू वे कम्युनिकेशन विथ अ हायर स्कोप फॉर। इसका जो राइट आंसर वो है क्लैरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है कम्युनिकेशन को लेकर? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी, 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाई यूजिंग वर्ड्स। ओनली 7% जो होता है ना कम्युनिकेशन वो वर्ड्स के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, यू नीड टू अप्लाई फॉर अ लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यूज। अगर आपको छुट्टी मांगना हो कहीं पर किसी ऑफिस में या कहीं दूसरी जगह तो आप किस तरह का कम्युनिकेशन अप्लाई करेंगे? तो राइट आंसर है इसका ए, ईमेल। क्वेश्चन नंबर एट, बाय विच एक्शंस कैन सेंडर सेंड देयर मैसेज। यानी जो सेंडर है वो किस तरह से अपना मैसेज को सेंड कर सकता है? तो राइट आंसर है ठीक है रीडिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन, डैश मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन ओरल एंड रिटन वर्ड्स। अगर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है ठीक है थ्रू स्पोकन ओरल और रिटन वर्ड्स तो इसको क्या कहलाएगा? तो इसको जो राइट आंसर है वो है वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर, फोन कॉल्स, लेटर्स, ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है फोन कॉल इज द ओरल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11, डैश कम्युनिकेशन इनेबल पीपल टू सिंबलिकली रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट आइडियाज प्लेस एट्सेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ना वो है वर्बल। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंटरव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। जो इंटरव्यू अगर हम लोग कहीं पर दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू ले रहा है हमारा, तो वो जो इंटरव्यू होगा ना वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? तो राइट आंसर है वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं वर्ड्स का यूज करते हैं, स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन 13, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्सेशन इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। क्या अगर ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है कन्वर्सेशन का? वो होता है पीपल क्या करें वो समझ सके हमारी भावनाओं को। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो राइट आंसर है वो बी, ट्राइंग टू कन्वे। मतलब कि आप कुछ भी भाषा बोल ले हो, अगर वो अगला पर्सन समझ जा रहा है तो मीन्स कि आपका जो कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। क्वेश्चन 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डू वी गेट एन इंस्टेंट फीडबैक। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हमें तुरंत हमें जवाब मिल जाता है या तुरंत हमें आंसर या रिस्पॉन्ड मिल जाता है? तो राइट आंसर है सी, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू। क्वेश्चन 15 देखते हैं, द ओरल कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द। राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव, मीन्स कि इसमें ओरल कम्युनिकेशन पिच होता है, इसमें वॉल्यूम होती हैं और स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग होनी चाहिए ठीक है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है। क्वेश्चन 16, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स
वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, यानी किस तरह का वर्ड हमें यूज करना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो राइट आंसर इसका सिंपल। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, ऑन व्हाट डज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज डिपेंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर है बी, रिसीवर पर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कीपिंग हैंड्स इन अ पॉकेट वाइल टॉकिंग, अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल क्या है कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन द अपियरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज प्ले अ वाइटर रोल, यानी कौन से कम्युनिकेशन में हमारा जो अपियरेंस होता है और बॉडी लैंग्वेज होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राइट आंसर इसका बी डी है ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 20, वी डू नॉट गेट इंस्टेंट फीडबैक इन, हमें तुरंत जवाब नहीं मिल पाता या फीडबैक नहीं मिल पाता कौन से कम्युनिकेशन में। तो राइट आंसर है रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन का फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सअप ले लो, ईमेल ले लो, लिखते हो तो उसके बाद से क्या होता है अगला जो जवाब देने वाला होता है ना थोड़ा टाइम लेकर जवाब देता है, पहले वो क्या करता है आपके मैसेज को पढ़ता है, तो इसमें क्या होता है टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो हमें इंस्टेंट होता है, तुरंत हमें मैसेज नहीं मिलता है, मिल पाता है, हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। क्वेश्चन 21, इन डैश कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें स्पोकन वर्ड्स यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है ओरल कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन 22, डैश इज द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ए स्पीकर्स वॉइस, किसमें काफ़ी तेज होती है सॉफ्टनेस होती है और स्पीकर की वॉइस होती है ठीक है, जो स्पीकर की वॉइस होती है काफ़ी लाउड होती है और सॉफ्ट होती है। तो राइट आंसर है पिच। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डू वी नॉट यूज वर्ड्स, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो वर्ड्स को यूज नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन 24, टू बी अ मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फोकस्ड ऑन, यानी अगर हमें कम्युनिकेटर बनना है या हमें किसी दूसरे को समझाना है तो हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, किस पे ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। किस चीज़ पे देखते हैं, ऑडियंस पे फोकस करना होगा, बॉडी लैंग्वेज पे करना होगा, कंटेंट ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर देखते हैं, विच ऑफ दिस इज द पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन है। तो राइट आंसर है बी, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 26, द कन्वेंस ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म दैट कैन बी सीन थ्रू द आई इज रेफर टू कम्युनिकेशन, यानी कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो आप लोग देख सकते हो ठीक है। राइट आंसर है विजुअल, लाइक कोई पोस्टर है ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट है तो आप क्या करते हो उसको देख कर ही समझ जाते हो कि जो प्रोडक्ट है ठीक है वो किस चीज़ के बारे में प्रोडक्ट है, उसका यूज क्या है, तो इसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 27, विजुअल कम्युनिकेशंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डैश एंड ठीक है, यानी कौन सा ऐसा विजुअल कम्युनिकेशन है ठीक है जो क्या करता है आइडियाज को इन्फॉर्मेशन को किसके हेल्प के थ्रू हमें ट्रांसफॉर्म करता है। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, सिंबल के थ्रू और इमेजिनरी के थ्रू, यानी कहीं भी आप देखेंगे अगर विजुअल कम्युनिकेशन को फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कुछ सिंबल दिखाए जाएंगे या उसमें कुछ इमेजेस दिखाए जाएंगे ओके। क्वेश्चन 28, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोजिशन कन्वे और शो, अगर हम बॉडी हमारा जो है ना स्ट्रेट हो, हम लोग हमारी जो पोस्चर है बॉडी की वो क्या हो सीधी हो, तो हमारा ये क्या दिखाता है। तो राइट आंसर है सी, कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंस में हो तो आप सीधे एकदम स्ट्रेट में बैठते हो ठीक है। क्वेश्चन 29, अ स्माइल एंड अ नोट इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर आप स्माइल करते हो ठीक है, कहीं बैठे हो और अपने सर को हिलाते नोट करते हो ठीक है, किस चीज़ का एग्जांपल। तो राइट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ये जो सर स्माइल है क्या हम बिना बोले ही स्माइल करते हैं ना, और जो नोट है हमारे सर हिलाते हैं वो भी बिना बोले करते हैं, तो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 30 एंड लास्ट देखते हैं, इन द बिजनेस वर्ल्ड द डैश इज द कॉमनलीस्ट, यानी बिजनेस वर्ल्ड में किस तरह का कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है ए, विजुअल कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगे होगी। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे वो है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट बी का कम्युनिकेशन स्किल का था, और ये जो चैप्टर है बेसिकली आपके फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज,
बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।